हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्टैक्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश में अपना परिचय कैसे दें, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। स्कूल में, स्टेज पे या इंटरव्यू में किसी भी जगह आपसे यह पूछा जा सकता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी इसका मतलब कृपया अपने बारे में कुछ बताइए या अपना परिचय दीजिए। आपको एक बढ़िया सा प्रोफेशनल सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद होने चाहिए कि कहाँ से स्टार्टिंग करें और कहाँ खत्म करें। जैसे कि ग्रीटिंग यानी अभिवादन करना, थैंक देम, नेम, प्लेस, जॉब, ईटीसी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले करते हैं ग्रीटिंग। तो आइए ग्रीटिंग से रिलेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन करना। अभिवादन करने के लिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग यानी समय के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है मॉर्निंग में, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम। यदि आपके सामने दो तीन लोग से ज्यादा मेंबर है, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर उसके बाद आप चाहें तो स्टेप टू बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बोल सकते हैं स्टेप टू थैंक देम। आपको इस अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद कैसे देना है इंग्लिश में, यानी मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यदि आपको थोड़ा लंबा बोलना है, मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वीडियो के एंड में ये सारे सेंटेंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। ग्रीटिंग और थैंक देम के बाद आपको नाम बोलना है, जिसको आप तीन तरीके से बोल सकते हैं। जैसे पंकज है, जैसे मेरा नाम पंकज है, माय नेम इज पंकज, या आई एम पंकज, दिस इज पंकज, माय सेल्फ पंकज। लेकिन आपको इंटरव्यू वगैरह में माय सेल्फ का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद प्लेस, फॉर एग्जाम्पल मैं वाराणसी से हूँ, आई एम फ्रॉम वाराणसी, या आई बिलोंग टू वाराणसी। यदि मैं जहां पे इंटरव्यू दे रहा हूँ वो जगह अभी वाराणसी में है, तो इसके साथ ही हम बोलेंगे इटसेल्फ, यानी आई एम फ्रॉम वाराणसी इटसेल्फ, आई बिलोंग टू वाराणसी इटसेल्फ। इसके बाद आपको बताना है फिलहाल में आप क्या है, क्या करते हैं। जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, या मैं एक दुकानदार हूँ, आई एम ए शॉपकीपर। इसी तरह से यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए डॉक्टर। आप एक इंजीनियर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए इंजीनियर। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है या फिर आप जो भी हो, आप उसको इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं आई एम के साथ। इसके बाद क्वालिफिकेशन बताएंगे। सबसे पहले जूनियर स्टूडेंट के लिए, आप चाहे जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं, 6, 7, 8, जैसे मान लीजिए आप 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे आई एम इन 7th स्टैंडर्ड या ग्रेड। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 7, लेकिन उसके साथ आपको TH नहीं लगाना है, 7th नहीं बोलना है, ओनली आई एम इन क्लास 7। उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करें, तो यदि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, कर रहा हूँ के लिए डूइंग नहीं करना है, परसुइंग, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। या मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम ए ग्रेजुएट, या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, या मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद फैमिली के बारे में बताना है। फैमिली के बारे में बताने के लिए ये सेंटेंस काफी पॉपुलर है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। आपके फैमिली के हिसाब से, जैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, मेरे परिवार में, इन माय फैमिली, मेरे माता पिता के अलावा, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। आई हैव एन इल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। There are 5 members in my family, या there are 5 people in my family बोल सकते हैं। इसके बाद आप अपने पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। पर्सनालिटी से रिलेटिव ये दो सेंटेंस काफी पॉपुलर है। जैसे मैं खुले विचारों का हूँ, आई एम ओपन माइंडेड, मैं खुले विचारों का हूँ, आई एम ओपन माइंडेड, या मैं रचनात्मक और मेहनती व्यक्ति हूँ, आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। आप चाहे जैसे भी हों, लेकिन आप ये दो सेंटेंस अपनी पर्सनैलिटी बताने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको अपने हॉबी यानी आपके क्या क्या शौक हैं उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा शौक इंग्लिश सीखना है, माई हॉबी इज लर्निंग इंग्लिश।
यदि आपके दो शौक हैं या दो से ज्यादा शौक हैं तो आप हॉबी को हॉबीज कहेंगे और इज की जगह आर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबीज आर लर्निंग इंग्लिश एंड प्लेइंग क्रिकेट। आप इसको लाइक या लव के साथ भी बोल सकते हैं, जैसे आई लव लर्निंग इंग्लिश या आई लाइक लर्निंग इंग्लिश। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए हमने जितने भी स्टेप्स देखे, उन सभी स्टेप्स का एक एक सेंटेंस का यूज करके हम एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन का रिविजन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज पंकज मौर्य, आई एम फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली। आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। माई हॉबी इज टीचिंग। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। एक बार में अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपको इंड सेंटेंस दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू आपको जरूर से बोलना है। इस इंट्रोडक्शन में मैंने इसको आसान बनाने के लिए केवल छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज किया है। आप चाहें तो इसे और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। इंग्लिश लर्निंग से रिलेटिव और वीडियोज पाने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।